तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में एक सेटअप तैयार करने वाले हैं जो कि एक बुकिंग के अनुसार अहूजा का 4 बॉक्स रहने वाला है और उस बॉक्स का मॉडल नंबर दोस्तों SRX 440 है। वही अहूजा का 4 बॉक्स का सेटअप लगाने वाले हैं जिस पर हम लोगों को माइक भी चलाना है। एक छोटा सा प्रोग्राम के अनुसार ये सेटअप हम लोगों को लगाना है, तो वही सेटअप आप लोगों को हम लगा कर दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन जाए और आप लोग इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर दोस्तों आप लोगों को मन में साउंड सिस्टम से लेकर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अहूजा का यहाँ पास 3 मशीन यूज करेंगे जो देख सकते हैं। अहूजा का 3 मशीन हम लोग बाहर निकाल कर रखे हुए हैं। अब हम इस 3 मशीन से दोस्तों बॉक्स को चेक करेंगे कि इस 3 मशीन पर बॉक्स चलता है कि नहीं चलता है और इस सेटअप को पहले हम लोग दुकान पर ही चलाकर चेक कर लेंगे कि कोई वहाँ जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अहूजा के एम्पलीफायर पर माइक नहीं चलेगा तो हम लोग मिक्सर का भी यूज करेंगे जो कि स्टूडियो मास्टर का हमारे पास मिक्सर है और पीछे में देख सकते हैं मशीन का कनेक्शन हो रहा है। तो चलिए पहले मशीन का कनेक्शन कर लेते हैं। मशीन का कनेक्शन तो हो रहा है दोस्तों, अब आप लोग को हम बॉक्स का कनेक्शन दिखाते हैं कि बॉक्स का कनेक्शन कैसे हो रहा है। और इधर में देख सकते हैं राहुल पांड्या बॉक्स का कनेक्शन कर रहा है और दांत से ही तार को छील रहा है। और ये चारों बॉक्स दोस्तों अहूजा का ये आप लोगों को लुक दिखाए थे पहले बॉक्स का। इधर में आप लोग बॉक्स का फ्रंट का लुक देख सकते हैं। 2 में कुंज लाइट लिखा हुआ, 2 बॉक्स नया है दोस्तों, उस पर अभी नाम नहीं लिखवाए हैं। उस दोनों बॉक्स पर दोस्तों सोच रहे हैं कि नाम नहीं लिखाए क्योंकि नाम लिखाने में दोस्तों बॉक्स का लुक अच्छा नहीं लगता है। इधर में पीछे देख सकते हैं बॉक्स का कनेक्शन का तार जोड़ रहा है और इसमें बॉक्स में कॉर्ड सिस्टम है भी दोस्तों, जिससे कॉर्ड खोज कर इस बॉक्स को सीरीज कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को वीडियो को फास्ट करके दिखा देते हैं कि सारा काम कैसे हो रहा है। दोस्तों उधर तो सारा मशीन का कनेक्शन और बॉक्स का कनेक्शन हो चुका है, सारा चीज उधर हो चुका है। अब माइक हम लोग चलाने के लिए एक स्टूडियो मास्टर का मिक्सर लेंगे और यहाँ पास देख सकते हैं छोटा सा स्टूडियो मास्टर का मिक्सर है और इस छोटे से मिक्सर को हम लोग गाना बजाने के लिए यूज करते हैं और बड़े मिक्सर को हम लोग यूज करेंगे माइक चलाने के लिए। बड़ा मिक्सर भी दोस्तों स्टूडियो मास्टर का हम लोग उस बॉक्स में से निकाल लेते हैं। यहाँ पास इस बॉक्स में बड़ा मिक्सर है जो स्टूडियो मास्टर का, तो इसे निकाल लेते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ पास स्टूडियो मास्टर का मिक्सर हम लोग निकाल लिए हैं और इसका भी कनेक्शन कर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे कनेक्शन होता है। और ये दोस्तों 12 चैनल का मिक्सर है जिसे हम लोग प्रोग्राम चलाने के लिए यूज करते हैं। आज हम लोग इस मिक्सर को फिर से यूज करेंगे प्रोग्राम चलाने के लिए। तो सबसे पहले मिक्सर का लाइन देते हैं और देखते हैं कि मिक्सर में लाइन आ रहा है कि नहीं। अब तो मिक्सर में लाइन आ रहा है। अब 3 250 वाट के एम्पलीफायर में भी लाइन दे देते हैं। सारा चीज चालू करने के बाद दोस्तों अब आप लोग को गाना बजाकर दिखाएंगे और माइक टेस्टिंग कर दिखाएंगे कि कैसा माइक चल रहा है, कैसा गाना बज रहा है। और इधर है मशीन में लाइन और मिक्सर में लाइन चुका है। अब आप लोगों को गाना बजाकर देखते हैं। दोस्तों गाना तो चालू हो चुका है पर 2 ही मशीन चालू हुआ है, तीसरा मशीन चालू नहीं हो रहा, तो उस मशीन को हम लोग चेंज कर लेंगे। तो इधर में देख सकते हैं दोस्तों टोटल 4 मशीन हो चुका है, एक मशीन नीचे वाला नहीं चल रहा, तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। और यहाँ पास हम लोग 4 मशीन ऊपर में रख लिए हैं। अब आप लोगों को गाना बजाकर इस सेटअप का आवाज थोड़ा सुना देते हैं कि ये कैसा बज रहा है। Oh,
तो दोस्तों देख सकते हैं सारा मशीन से बच चुका है, बॉक्स चारों बॉक्स बच चुका है। आप लोगों को थोड़ा हम दूर से दिखाते हैं कि बहुत दूर से किसका आवाज कितना दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो में।